6 अगस्त 1945 ये हिस्ट्री के सबसे बुरे दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन अमेरिका ने अपना लिटिल बॉय नाम का एक न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा में ड्रॉप कर दिया, और इससे होने वाली जो तबाही है उसको मैं और आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी के 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपना दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया नागासाकी में, और ये जो बॉम्ब था इसका नाम था फैट मैन। लिटिल बॉय न्यूक्लियर वेपन में 64 किलोग्राम का एनरिच्ड यूरेनियम होता है, जो कि 15 किलो टन्स का ब्लास्ट क्रिएट करता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन वहीं फैट मैन में सिर्फ और सिर्फ 6.4 केजी प्लूटोनियम होता है। भले इसमें लिटिल बॉय के हिसाब से कम एक्सप्लोजिव हो, लेकिन प्लूटोनियम इस एनरिच्ड यूरेनियम से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6.4 केजी का प्लूटोनियम 21 किलो वॉट का ब्लास्ट क्रिएट करता है। और इसी के साथ ये प्रूव भी हो जाता है कि फैट मैन लिटिल बॉय से ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा खतरनाक है। ये जो फैट मैन था ये 3.3 मीटर लंबा था, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा होता है, एंड इसका डायमीटर 1.5 मीटर का था। अगर बात की जाए इसके वजन की तो ये 4670 किलोग्राम का था। इसके अंदर प्लूटोनियम का एक स्पीयर होता है जो कि साइज में एक फुटबॉल की तरह होता है, और इसका वजन 6.4 किलोग्राम होता है। प्लूटोनियम एक रेडियोएक्टिव मेटालिक एलिमेंट है, एंड ये 1940 में डिस्कवर किया गया था। इस न्यूक्लियर वेपन में प्लूटोनियम के हर तरफ बहुत ही सारे एक्सप्लोजिव होते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करते हैं। 9 अगस्त को सुबह बोइंग B-29 प्लेन इस न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके टेक ऑफ करता है। करीब 7.5 घंटे की उड़ान भरने के बाद ये जो प्लेन था ये नागासाकी पहुंच गया। नागासाकी की पॉपुलेशन करीब 2.6 लाख है, एंड यहाँ पर इन्होंने अपना फैट मैन बॉम्ब 14,000 फीट की ऊंचाई से ड्रॉप कर दिया। इसको नीचे आने में करीब 47 सेकंड्स लग गए, और 47 सेकंड्स बाद जो हुआ उसने पूरा का पूरा इतिहास बदल डाला। जब 47 सेकंड बाद ये जो बॉम्ब था ये 16,000 फीट की हाइट पे पहुंच गया, तब जो सेंसर्स थे उन्होंने इस बात को सेंस कर लिया कि अब जमीन बहुत ही पास है। इसी कारण से उस बॉम्ब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्यूज लगी थी उसमें से स्पार्क्स निकलना शुरू हो गए। इस बॉम्ब में प्लूटोनियम के चारों तरफ एक्सप्लोजिव्स तो होते ही हैं, लेकिन उसके ऊपर मेटल की एक बहुत ही मोटी कवरिंग होती है, जो कि अंदर बहुत ही खतरनाक शॉक क्रिएट करती है। सिर्फ और सिर्फ 10 मिलीसेकंड बाद एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन इसके अंदर शुरू हो गया। मैं 10 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 मिलीसेकंड्स की बात कर रहा हूँ, और एक सेकंड में करीब 1000 मिलीसेकंड्स होते हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रिएक्शन था कितना जल्दी हुआ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 मिलीसेकंड लगे इस रिएक्शन को शुरू होने में। इन 10 मिलीसेकंड के बाद करीब 500 मीटर की ऊंचाई पे ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब था ये ब्लास्ट हो गया। अगर इसको जमीन पे ब्लास्ट किया जाता तो इसका जो एक्सप्लोजन था, इसका जो डैमेज था, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता जितना कि इसको ऊंचाई पे करने पे होता। इस एक्सप्लोजन के कारण करीब 18 किलोमीटर ऊंचा एक मशरूम फॉर्म हुआ, जो कि पूरा का पूरा स्मोक का भरा हुआ था। इस एक्सप्लोजन के कारण करीब 3 किलोमीटर के डायमीटर में हर कुछ तबाह हो गया, और यहाँ तक कि इसे इतनी ज्यादा हीट रिलीज हुई कि कई लोग तो वेपर बन के मर गए। यानी कि जैसे पानी भाप बन जाता है, वैसे ही वो लोग भी भाप की तरह वेपराइज्ड हो गए, एंड वो लोग इंस्टेंटली खत्म हो गए। इस न्यूक्लियर बॉम्ब से 3 मेन टाइप के डैमेज हुए थे। नंबर 1 ब्लास्ट से, नंबर 2 फायर यानी कि आग से, एंड नंबर 3 इससे निकलने वाले रेडिएशन से। ब्लास्ट के कारण एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल क्रिएट हुआ, एंड इसके कारण वहां पे 3 मेन टाइप की रेडिएशंस निकली। नंबर 1 अल्फा रेडिएशंस, नंबर 2 बीटा रेडिएशन, एंड नंबर 3 गामा रेडिएशंस। अल्फा रेडिएशंस बहुत ही ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं इंसानों को, इनसे बचने के लिए हम
फुल कपड़े पहन सकते हैं, ग्लव्स लगा सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो रेडिएशन हैं हमको नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन बीटा रेडिएशन इससे कई गुना खतरनाक होती हैं। ये जो रेज होती हैं ये हमारे शरीर के अंदर बहुत ही इजीली घुस सकती हैं एंड हमारे स्किन को पूरी तरीके से जला भी सकती हैं। नंबर 3, गैमा रेज। ये जो रेडिएशंस होती हैं ये इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डेंजरस रेडिएशंस होती हैं, क्योंकि ये जो रेज होती हैं ये इंसान के शरीर में बहुत ही आराम से घुस भी सकती हैं एंड साथ ही साथ हमारे बॉडी के सेल्स को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर देती हैं। सो गाइस, आई होप कि आपका ये जो डाउट था कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब काम कैसे करता है एंड इससे कितना डैमेज हो सकता है, ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।